Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So I'm here again with a new video that is last part of your chapter number 14 Baswas Farm. Jiske last two pages 17 and 118 reh gaye the, hum unko cover up karenge. So jaldi se start karte open your books with page number 117 and also make sure to subscribe the channel and press the bell icon also. सो फर्स्ट पे है बसवास अप्पा टेक द ऑनियन टू द मार्केट इन अ ट्रक. हमने कल देखा था कि उन्होंने बहुत सारे सैक्स भर लिए थे, फिर वो ट्रक में लेके मार्केट ले गए सेल करने के लिए. थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स. बट अगर प्रॉपर रोड्स नहीं होंगी तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो कैसे पहुँचेगी वन प्लेस टू अनदर. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स, बिकॉज वो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बिना प्रॉपर रोड के आप कोई व्हीकल भी नहीं चला सकते उसके ऊपर. सो इन द प्रीवियस ईयर्स, पुराने ईयर सालों में क्या होता था, पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, दे कैरी फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स टू द मार्केट इन बुलॉक कार्ट. मतलब अपनी कार्ट के आगे बुल लगा लेते थे या बोट्स में लेके जाते थे थ्रू वाटर वाला डिस्टेंस एंड डंकीज की हेल्प से लेके जाते थे. ओके, so what kind of vehicle are used to carry fruits and vegetables, draw a picture of one of these. तो आजकल कौन कौन से vehicle हैं जिससे हम जो हमारे fruits and vegetables है वो one place से another place लेके जाते हैं, और इनमें से किसी भी एक vehicle की आपको drawing बनानी है. इनमें कौन कौन से vehicle हैं, जैसे देखो एक ठेला होता है जो आपने देखा भी होगा mostly सब्जी मंडी में होता है. रिक्शा, टेम्पो, ट्रक एंड ट्रैक्टर्स यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड आप ऐसे कोई भी अपनी क्रिएटिविटी से एक ड्राॅइंग बना सकते हो. जैसे मैंने एक छोटे से ट्रक की ड्राॅइंग बनाई है जो बहुत सारे मैंगोज को ट्रैवल करके लेके जा रही है. ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइंड आउट एंड राइट. यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं इम्प्लीमेंट्स की, आपको नेम लिखना है. इस इम्प्लीमेंट का नेम इस चैप्टर में क्या है, इस इम्प्लीमेंट का नेम आपके एरिए में क्या बोलते हैं, और ये क्या काम करता है. देखो हमने इन तीनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा, तो जल्दी से करते हैं. फर्स्ट वन इज क्यूराइट. तो हमने देखा था इस चैप्टर में जो उसके अप्पा थे वो सीड्स ग्रो करने के लिए, प्लफिंग करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं आगे बुलॉक लगा के. नेम इनी और एरिया, आपके एरिया में जो भी इसको बोलते हैं लिख सकते हो. हमारे एरिया में इसको खुडल बोलते हैं, तो मैंने वो लिखा है. और इसका काम क्या है, प्लफिंग करना. नेम, इसका नेम क्या था, देखो ये तो फर्स्ट पेज पे किया था हमने. अप्पा के पापा क्या कर रहे थे इसके साथ, लूजिंग ऑफ द सॉइल, इसको बोलते हैं खुंटी. हमारे एरिया में भी खुंटी बोला जाता है, आपके एरिया में जो भी बोला जाता है खुरपी खुंटी आप लिख सकते हो. एंड ये क्या काम करता है, डिगिंग करने का काम करता है. लास्ट वन इज ये क्या था, जिससे उसकी अम्मा लीव्स रिमूव कर रही थी, ड्राई लीव्स ऑनियन में से, दिस इज ए लैग. एंड इसको हमारे एरिया में बोलते हैं सिक्कल. इसका काम क्या है, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स. जो हार्ड वेजिटेबल्स होती हैं या जो बड़ी बड़ी वेजिटेबल्स होती हैं उसको इससे कट किया जाता है. ठीक है, सो लेट्स कम टू लास्ट पेज, दैट इज मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स. हमने अभी देखा बहुत सारे स्टेप्स हैं. पहले देखो लूजिंग सॉइल करनी पड़ती है, फिर प्लफिंग करते हैं, फिर सीड्स रखे जाते हैं, फिर वीड्स को रिमूव किया जाता है. तो आपको इस पिक्चर्स को अरेंज करना है, लाइन वाइज लगाना है. ये आपको उल्टी सीधी करके दी हुई है, और इनका नेम लिखना है. सो देखो फर्स्ट वन इज लूजिंग द सॉइल. हम सबसे पहले ये वाला टास्क करते हैं, हम सॉइल को लूजन अप करते हैं, फिर हम सीड्स ग्रो करते हैं उनको स्प्रिंकल करके. थर्ड पे हम क्या करते हैं, रिमूविंग वीड्स. हम वीड्स रिमूव करते हैं लाइक दिस, जैसे उसकी अम्मा कर रही हैं. फोर्थ पे हम क्या करते हैं, कटिंग लार्ज प्लांट्स. एंड लास्ट पे जो आपकी क्रॉप है जब वो ग्रो हो जाती है उसको हम बाहर निकालते हैं, एंड उसके बाद उनको पैक करके सेल कर देते हैं. तो ये सिक्स स्टेप हैं जो क्रॉप ग्रोइंग में यूज होते हैं. लास्ट वन इज फाइंड आउट अबाउट अ क्रॉप दैट इज ग्रोन इन योर एरिया. तो आपके एरिया में कोई भी एक ऐसी क्रॉप जो ग्रो होती है आपको उसका नेम लिखना है. ये आपने पहले भी पीछे पेजेस पे लिखा है. Also find out the steps that are part of this. Draw them in your notebook. तो आपको steps देखने हैं उस crop को grow करने के कौन से है. तो देखो wheat is grown in my area, तो मैंने wheat को grow करने के step लिखे हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, same ही रहेगा. Soil को plough किया जाता है, loosen up किया जाता है. Second step is seeds are sown. ठीक है, चाहे वो हाथ से डाले चाहे वो seed drill की help से डाले. Third पे manure या fertilizer डाले जाते हैं ताकि जो हमारी crop है वो healthy grow हो. सॉइल इज इरीगेटेड प्रॉपरली, पानी दिया जाता है उस सॉइल को प्रॉपर. एंड जितने भी अनवॉन्टेड प्लांट्स मतलब वीड्स ग्रो हो जाते हैं उनको रिमूव किया जाता है. फिफ्थ स्टेप में जब हमारी जो क्रॉप है वो रेडी हो जाती है हम उसको कट कर लेते हैं. लास्ट में हम उनको पैक करके स्टोर कर लेते हैं, या जिस जगह पर हमने उनको सेल करना होता है वहाँ पर हम पहुँचा देते हैं. सो दिस वॉज योर चैप्टर
I will see you soon with a new chapter and new video of page number 119 and 120. इस चैप्टर में आपको कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.